अब बारी है आप लोग किसान सेगमेंट की, जी मापा मिलवा से एक प्रगतिशील किसान छू। खेती में भी अच्छो जॉब, शानदार सैलरी पैकेज आय हो सके, यदि किसान बाजार में मांग और वैज्ञानिक तरीका से खेती करे तो। उदयपुर जिला का मैनार निवासी किसान मांगीलाल सिंगावत एक ऐसा किसान है जो हर माह करीब 2 लाख रुपया कमावे, आयकर विभाग में आयकर भी चुकावे। मांगीलाल ने विरासत में 110 बीघा जमीन मिली, ई पर बिन परंपरागत फसला रहे अलावा नकदी फसल भी ली, पर मुनाफो नहीं हुई। पानी कम होबा के कारण घाटो और चुनौती बढ़ती गई। इरे पाछे कोई परिचित की सलाह पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत काम करबो शुरू करियो। अमरूद की खेती से शुरुआत करी और सफल रही। सिंगावत बतावे है कि साल 2004 में अमरूद, नींबू और अनार से शुरुआत करी, अनुदान पर 10 रुपया प्रति पौधा की दर से अमरूद का 500 पौधा मंगाया। वैज्ञानिक मार्गदर्शन में 12 बीघा में गड्ढा खोदा, बर्मी कंपोस्ट खाद डाली और देखभाल करी। 3 साल बाद 450 पौधा फलवे लग्या और पहली कमाई लाख से ऊपर चली गई। बड़े पौधा अब सालाना 8 लाख रुपया की कमाई दे रहा से। इरे अलावा 4 बीघा में नींबू का 200 पौधा से 4 लाख और 2 बीघा में अनार का पौधा से 1.5 लाख रुपया की आय हो रही से। पुस्तरी जमीन पे केसीसी का लोन ले रखा है और जो भी है टर्न ओवर चलता है उसमें 5-25 लाख रुपए मेरे प्रॉफिट गिरे जाते हैं। दूसरा खर्चा लाखों में है पर ठीक है, मैं खुश हूँ। नौकरी पैसा छोड़ के मैंने खेती अपने हुए उससे मैं संतुष्ट हूँ। परिवार वाले भी मेरा सहयोग करते हैं इसमें, सब हाथ जुटाते हैं, परिवार से मैं सभी से संतुष्ट हूँ। वे कद्दू आदि सब्जियां के अलावा मूंगफली, अजवाइन, गेहूं, सरसों आदि फसलों से लाखों की आय ले रहा है। इनके अलावा वे लाइसेंस के तहत अफीम भी खेती भी कर रहे हैं। वे नकदी फसलों ने बागवानी के पास वाली जमीन पर बोवे से। इरे ताई वे करीब 40 बीघा जमीन अलग से ले राखी से। सिंगावत खेती में ट्रैक्टर, ट्रॉली, फसल कटाई और आई मशीन, टिलर, थ्रेलर आदि आधुनिक मशीनरी मदद लेवे से। वह सोलर और ड्रिप सिस्टम रो भी उपयोग करे से। भटकता मवेशी और रोजगारी परेशानी से बचवा रहता ही वह 40 बीघा जमीन रितारबंदी भी करवा चुका। हालांकि कुछ स्थान पर यह नाकाफी रही, अब पूरा बागवानी क्षेत्र ने 40 से कवर करवारी तैयारी कर रहा से। खेता पर निगरानी करवा रहता ही अब बैकुआ के पास ही मकान भी बनवा लियो है। इसु परिवार का अधिकतर लोग खेती से जुड़ा है, हालांकि वे कई मजदूर ने रोजगार भी दे रहा है। पुराने जमाने में कहावत थी उत्तम खेती मध्यम व्यापार निम्न नौकरी, लेकिन लोग खेती को छोड़कर नौकरी की तलाश में भटकने लगे। वहीं इसी बीच उदयपुर जिले के मैनार निवासी मांगीलाल मैनारिया ने खेती के क्षेत्र में न सिर्फ नए आयाम स्थापित किए हैं बल्कि परंपरागत खेती के साथ इन्होंने राष्ट्रीय मिशन बागवानी के तहत पौधे लगाए। इन्होंने अमरूद, अनार, नींबू के पौधे लगाए। ये सालाना 110 बीघा जमीन पर परंपरागत खेती और बागवानी से 25 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। वही मात्र अमरूद से ही यह सालाना 8 से 10 लाख रुपए कमाते हैं। इनके अमरूदों की मांग आसपास के जिलों की मंडियों में भरपूर रहती है। उदयपुर के मांगीलाल मैनारिया के इस नवाचार पर उदयपुर से उमेश मैनारिया की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम आज बस तो आओ गांव चले को एपिसोड था कैसे लागो। इब हम थे जथा के राय या सुझाव।